भवतु ये मन्यत्र प्रकृति की मायातम इत्यदाह। कहते हैं जब विकल्प जाल आपने खोजा, निर्विकल्पक है लक्ष्य या सविकल्पक है, ऐसा आपने विकल्प भरा दिया, उन विकल्पों पे चर्चा होने पर क्या दोष आया था? आत्माश्रय, पहले वर्तव्याघात, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र, अंतमान अवस्था, दोष तक पहुंच गए। और यह दोष केवल लक्ष्य निर्णय करने में ही नहीं, बल्कि द्रव्य गुण कर्म निश्चय समवाय सकल पदार्थ में दोष आ जाता है। आपने जो कहा था सिद्धांति ने, उसको पूर्व पक्ष कहता है, आपके कहना ठीक है, हमारे मत में सारा दोष उछल जाएंगे। अगर करना क्या चाहिए प्रकृत में, किम आयातम प्रकृत स्थल में, एतार्ष कथन से आपको क्या लाभ होगा? अर्थात आत्मा में, आत्मा के चिंतन कर रहे हो, इस चिंतन में एतार्ष कथन से क्या लाभ? तब कहते विकल्प तदभाभ्याम असंस्पृष्टात्व वस्तुनि विकल्पितत्व लक्षत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिता। विकल्पित तदभाभ्याम, विकल्प और विकल्पाभाव इत्यादि वास्तव में असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि, असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि, आत्मारूपी वस्तु कैसा है? इन सभी से असंस्पृष्ट, असंबद्ध, नहीं पुण्या पुण्य स्पृशतः, इच्छांत उपनिषद की श्रुति प्रमाण, पुण्य और पाप आदि कोई का संबंध नहीं है, तो इनके कारण से विद्यमान वस्तुओं का भी कोई संबंध नहीं होता। बल्कि कहना और क्या है, और अधिक कहूं स्पष्ट तो कहते हैं विकल्पितत्व लक्ष्यत्व समवाय संबंध संयोग संबंध स्वरूप संबंध तार संबंध इत्यादि जितने भी है, ये सब क्या है? कल्पिता तू मने एव, कल्पिता एव, ये सब वास्तव में आत्मा में कल्पना मात्र ही है। विकल्पित तद्भावाभ्याम, ठीक है, विकल्पित तद्भावाभ्याम विकल्पेना विकल्प भावेन च, विकल्प के द्वारा अच्छा विकल्प के साथ और विकल्प अभाव के साथ, किसी के भी साथ वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनी अर्थात संस्पर्श रहित परमात्म वस्तु, संस्पर्श रहित है उस परमात्मा रूपी वस्तु, उस वस्तु में, वस्तु में विकल्पितत्व लक्षित संबंध आद्या कल्पिता एव, विकल्पितत्व लक्षत्व संबंध आदि जितने भी पदार्थ हैं ये क्या है? वो कल्पित ही है। इस विषय में हमने अध्यास भाष्य बताया, अध्यास भाष्य में क्या लिखा है? यत्र यदध्यस्तम तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। यत्र यदध्यस्तम, जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है, तत्कृतेन दोषेण, और सर्पकृत दोष क्या है? विषादी, उस विषादी का संबंध उस रज्जु में रस्सी में नहीं होगा। इसे शुक्ति है सीप, उसे रजत में चांदी को देखा, उस चांदी का जो गुण है वो गुण भी वास्तव में सीप में नहीं आते, संबंधित नहीं होते। इसे तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेण अपि, लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। इसी प्रकार से माया, माया ने सारा अनंत ब्रह्मांड जो जगत है ये क्या है? लेश मात्र इसका आत्मा से संबंध नहीं है, अतएव इसका गुण या दोष किसी कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार से असर नहीं करता। यानी इसीलिए दृष्टांत हम क्या देते थे? ऊंट का, ऊंट का दृष्टांत देता हूं ना, राजस्थानी ऊंट। ऊंट ने कहा मैया को, अरे भाई तो क्या कर रही है, टपली बजा रही हो, अरे मैं डर जाऊंगा, मेरे पीठ पर नगाड़े बजे तो हृदय में कंपन भी नहीं उठा, तो तेरे डफली मेरे को डरा सकेंगे? उसी प्रकार से जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड का कल्पना हो गया, फिर उस आत्मा में कुछ भी असर नहीं हुआ, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा स्वरूप में, तो आज ये जो दिखाई दे रहा है परिदृश्यमान जगत, ये सुख दुख जो आते जाते हैं, क्या हमें विचलित कर सकते हैं? यदि हम स्वर्ग प्रतिष्ठित हैं तो हमें विचलित नहीं होना है। गुणापि दुखे न विचाल्यते, भयंकर दुख से भी वास्तव में ज्ञानी इसलिए विचलित नहीं होता, वो अपने आत्म स्वरूप प्रतिष्ठित है और आत्मा में इसका कोई संबंध ही नहीं है। असंबद्ध वस्तु को लेकर कभी आपको दुख होता है क्या?
अब कई लोग मर जाते, बड़े बड़े नेता मर गए, ये मर गया, वो मर गया, सुनते हो है ना, पहले एक मिनट अरे रे तो बड़ा खड़बड़ हो गया ऐसा बोल देते हो क्षण भर के लिए, लेकिन दुख थोड़ी होता है, मर गया तो मर गया ठीक है। दिल्ली में एक बस, वो सी एन जी आकर गैस के बस चल रहे ना, गैस के ऑटो चलते गैस की, एक बस जल गया, 31 लोग जिंदा अंदर राख हो गए, निकल ही नहीं पाए, आग है ना वो गैस की आग बाक्स चारों तरफ घेर लिया। जब सुनते हैं पहले जमाने में तो छोटा सा क्या एक्सीडेंट हो, धर क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होगा तो बहुत ठीक नहीं, आजकल तो रोज सैकड़ों सुनते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आजकल तो मर जाते हैं सूचना है तो पता कब होगा, उठाएंगे मुर्दे को तब आएंगे बस उस मिनट के लिए आ जाएंगे, कितना बजे उठा रहे हैं पूछते हैं, कितना बजे होगी आरती उठेगी पूछते हैं, हमें 4 बजे ठीक 4 बजे पहुंच जाएंगे, 1 मिनट पहले नहीं आएंगे, पहले चल गए तो आपका दोष है, लेट चलोगे तो नाराज हो जाएंगे, फालतू हमारा आधा घंटा खराब कर दिए इसने, अरे जल्दी उठाओ मुड़ देखो 4 बजे बोला तो चलो चलो जल्दी करो सब बोलेंगे जल्दी करो, एम बर्बाद मत करो उठाओ जल्दी फेंक दो, आज जमाना ऐसा हो किसी को मुर्दे के पास बैठने को टाइम नहीं रोने को टाइम नहीं, आज तो रुदालियाँ मिलती है, रुदालियाँ जानते हैं रुदाली, रोने वाली मिलती हैं आजकल किराए पे, हाँ रोने वाली औरतें किराए पे मिलती है, ये मैं जियो ने पहली बार बनारस में देखा, गोविंद मट्टे का आश्रम है जहाँ मैं रहता था, सामने में एक परिवार के एक लड़का छोटा बच्चा था करीब 10-12 साल का, मर गया, छत से गिर गया 4 मंजिल ऊपर से मर गया, मरा हमें पता है सवेरे वो 6 बजे के लगभग गिर गया था, ले गया अस्पताल पता गया मर गया 8 बजे मुर्दा आ गया वापस, लेकिन कोई नहीं रो रहा घर में कुछ भी नहीं, मुर्दे को बाहर बरांडे में डाल दिए हैं और सब अपना खा रहे पी रहे हैं, बल्कि सब घर में वो माँ भी बच्चे की, करीब ठीक 10 बजे कुछ औरतें आई बड़े रोने लगी, हाँ पीट पीट कर पीट पीट कर, और क्या देखा, देखता रहा पूरी सीनरी को, जब उनके कोई रिश्तेदार आ जाना तब घर के लोग बैठ कर रोते थे साथ में, मैंने कहा क्या तमाशा, ये तो हमेशा रोती रहती नाटक कर रही हैं, और घर के ही लोग तो जो कोई रिश्तेदार आवे तब रो रहे, नहीं तो रोते ही नहीं, और रिश्तेदारों को फोन करके जो आने से पहले उसे खा पी के मस्त हो गए सब, पराठे पराठे खा लिए, और फिर करीब 12 बजे देर सब इकट्ठे हुए सब घर के लोग बैठ के रोने लगे, उसकी कुछ देर बाद फिर 4 बजे लगे मुर्दा को उठा के ले गए वो लोग बच्चे का, आदमी भी चला गया, औरतें सड़क के किनारे तक गए गली तक, गली से वापस आ गई, एक आदमी और साथ में आ गया वापस, देखता रहे क्या करेगा ये आदमी क्यों आया वापस, वो जो रो रही थी ना 4-5 रुदालियाँ उनको काटाकर नोट निकाल के दिया, नहीं क्या हो रहा है, देखो ओहो ये तो किराए वाली सुना था पहले कभी राजस्थान में हुआ करते थे, ये राजघराने के लोग राजा के परिवार में कोई मर जाए तो राजा लोग ये था कि हम क्षत्रिय हैं हमारे आंखों में आंसू नहीं गिरनी चाहिए रोना नहीं चाहिए हमें, ये क्षत्रिय लोग रोते नहीं थे, लेकिन कोई भी मर जाए रोने वाली को खरीदते थे, रुदाली बोलते, उसके बाद एक सिनेमा भी बना था रुदाली, एक सिनेमा निकाले राजस्थान की प्रथा आपको दिखा, रोने वाली रुदाली मैंने रोने वाली, वो हमें बना से प्रैक्टिकल देगा तब देगा, ये तो क्या जमाना हो गया, बेटा मर गया माँ जब पराठे बना रही है खा रही है और किराए पे औरतें रो रही है, आश्रमों में तो भी झंझट नहीं, मरे ना गंगा जी उठे में डाल दे रो न तो नहीं तो सब ब्रह्म है ना ब्रह्म ज्ञानी लोग है, यहाँ तो झंझट नहीं, गृहस्थी में तो सब झंझट होता है करना पड़ता है, नहीं भी चाहो तो भी रोना पड़ता है, वहाँ नाटक तो करना पड़ता है, भले सोचते अच्छा पेन छूट गया था दिमाग खराब था कहाँ इसके पीछे पड़े रहे चला गया तो अच्छा हो गया कुछ पैसा बचेगा दो की खर्च एक का खर्चा होगा, कई चीज़ें कई हेडेक बच जाते हैं एक थोड़ी बहुत सारा हेडेक बच जाता है, तीसरे कहते हैं सब कल्पित है वास्तव में है नहीं, टीका में तत्र विकल्पित तुम नाम, विकल्पित तो किसको कहते हैं, सविकल्प सेवा निर्विकल्प सेवा इति पूर्वोक्त विषयीकृतत्व, पूर्वोक्त प्रकार से ये सविकल्प है या निर्विकल्प है इस प्रकार जिसकी चर्चा की जाए उसका नाम विकल्पितत्व, लक्षित क्या है लक्षणावृत्त जाप्यत्व, लक्षणावृत्ति की तरफ बोध्य जो है उसको कहते हैं लक्षित्व, संबंध क्या संयोग आदि ही, आदि शब्द से क्या लेना द्रव्य गुण कर्म सामान्य सर्वे लेना,
द्रव्यादि उरियंदे। और तू शब्द जो आया श्लोक में अवधारण अर्थ में एव अर्थ में, तत्र द्रव्यम नाम, द्रव्य क्या है आपके मत में? कहते हैं वेदांत मत बता, नहीं बोल रहे यहां न्याय के मत से, हम बोलेंगे द्रव्य। कि हम तो जैसा द्रव्य लोग कल्पना करते तो मानते नहीं, हम लोग द्रव्य कुछ होता ही नहीं हमारे यहाँ, मिथ्या है सारा। इसे उनके हिसाब से लक्षण बता रहे, द्रव्यम नाम गुणानाम आश्रय द्रव्यम समवाय कारणम द्रव्यम वा इति वा तार्किकैर लक्षितम। तार्किक कौन से लक्षित? गुणा गुणवत्तम द्रव्य साम्य लक्षणम अथवा समवाय कारणत्तम वा द्रव्य साम्य लक्षण जो उन्होंने किया वो ले लेना। और गुण क्या है? कर्म व्यतिरिक्त सति जाति मात्र आशय गुण, कर्म से भिन्न होता हुआ जाति मात्र का आश्रय का नाम गुण है। ये लक्षण कोई भी द्रव्य आत्मा में नहीं हो सकता ना, क्योंकि आत्मा गुणों का आश्रय नहीं है। आत्मा किसे कारण भी नहीं, समय कारण से अंदर नहीं आ सकता। आत्मा लक्षणा का विषय भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं है। आत्मा के बारे में एक में यह है कि वह है, विकल्प भी नहीं हो सकता। विकल्प कहाँ होता है? जब विरुद्ध अनेक धर्म की संभावना हो, कि निर्धर्मक वस्तु में यह है कि वह है, विकल्प उठा ही नहीं सकते। सिर्फ विकल्प तत्व भी आत्मा में नहीं, लक्ष्यत्व आत्मा में नहीं। संयोग आदि संबंध द्विनिष्ठ होते दिष्ट होता है, कोई भी संबंध हो दो संबंधियों के बीच में है, एकमेव अद्वितीय तत्व में संबंध कहाँ से होगा? इस संबंध भी नहीं हो सकता संयोग आदि। गुणवत्व नहीं है क्योंकि निर्गुण वस्तु में गुणवत्व कहाँ से होगा? जो अपूर्व अनपरम कह दिया वह न कारण है न कार्य है, ये समय कारणत्व भी आत्मा में नहीं आ सकता। गुण का लक्षण भी नहीं आ जाएगा उसमें। क्यों? कहते आप कर्म व्यतिरिक्त स्थिति जाति मात्र आश्रय गुण, कहा जाति का आश्रय का नाम गुण होता है, कर्म से भिन्न होता हुआ जाति का आश्रय। और जाति नाम का चीज वेदांति मानता ही नहीं। कि जाति का लक्षण क्या है आपका? नित्यम एकम अनेकानुगतम, एक वस्तु में जाति आप स्वयं भी नहीं मानते हो। और आत्मा कितने हैं हमारे पास? एक है, सदैव मग्रा आसीत एकमेव अद्वितीयम, एक में जाति आप स्वयं भी नहीं मानते हो। क्योंकि आपने खुद ही कहा है तार्किकों ने जाति को बात लक्ष्य संग्रह में क्या बोला? व्यक्तिर वेदस्तुल्यत्वं संकरो अथान अवस्थिति रूपहा निरसंबंधो जाति बाधक संग्रह। व्यक्तिर वेद, व्यक्ति का अभेद मैंने एकत्व, एक व्यक्ति भी कभी जाति नहीं होता। और आत्मा हमारे मत में एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, अतः उसे जाति नहीं हो सकती। इसे जाति आश्रय रूप गुण का लक्षण भी आत्मा में नहीं हो सकता। नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्य में लक्षिता जाति, कि नित्य है एक है और अनेकों में संवेद है सामान्य नाम का, आप जाति को मानते हो वो हमारे यहाँ नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे मत में दूसरी बात यह भी है ना, ब्रह्म से बिन कोई दूसरा नित्य है नहीं, एकमात्र ब्रह्म आत्मा नित्य है, आत्मा से बिन कोई नित्य है नहीं। इसे नित्यत्व घटित कोई भी लक्षण हो वह हमारे लिए अन्य वस्तुओं का मान्य ही नहीं है। अतः जाति जो है नित्य घटित लक्षण है ना, नित्यम एकम अनेकम कह दिया, तो नित्य घटित लक्षणों वाला से लक्षित जाति हम आत्मा से वस्तु नित्य मानते ही नहीं है। अगर जाति ही नहीं रह गया तो जाति मत तो आत्मा में कैसे आएगा? संयोग वियोग और असमय कारण जातियं कर्म इति लक्षिता क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? संयोग और वियोग का असमय कारण जातीय वस्तु का नाम कर्म है, ऐसे लोग मानते हैं। जब कर्म का लक्षण में कारणत्व आ गया और कारणत्व आत्मा में नहीं है, इस आत्मा में कर्म भी नहीं हो सकता। ये थे सर्वे स्वरूप कल्पिता एवं, इसलिए हमें कहना पड़ेगा आत्मा में सारे चीजें केवल कल्पित ही है। एतावता ग्रंथ संदर्भ किमुक्तम भवति, इतने जो 44वां श्लोक से लेकर के 52वें श्लोक तक 9 श्लोकों में जो आपने चर्चा किया है, महावाक्य का तात्पर्य बताने चल पड़े थे पंचकोश वेक द्वारा, है ना, युक्ति से जो सिद्ध बात थी उसी को श्रुति से सिद्ध करना चाहते थे महावाक्यों से तत्वमसी से, तो वो सिद्ध करने चले थे आप और बात कहीं और चला गया, सभी का विकल्प आदि झंझट में। तो आप कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य क्या है? 9 श्लोकों का बता रहे, इत्थम वाक्य सदर्थान संधानम श्रवणम भवेत युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननंतु तत्। श्रवण मंडित ध्यासन का उपयोगी बात कहा गया। अभी तक जो कहा है वो क्या है? श्रवण। इत्थम जिस प्रकार से जगत को उपादान कारण रूपेण तत्पदार्थ बताया, फिर त्वम बताया, उनके एकत्व साबित की, तत्त्वमसि की जीव ब्रह्म एकत्व जो सिद्ध किया गया है, ऐसा जो विचार का श्रवण किया अपने 9 श्लोकों में, इसी का नाम
श्रवणम। और इससे पहले तीसरे श्लोक से 43 श्लोक तक 41 श्लोकों के द्वारा आपने जो वर्णन किया है वो क्या था, वो युक्ति से आपने जीवन में सिद्ध किया, उसका चिंतन करना, श्रुति के अनुकूल युक्ति को लगा लेना, उसे हम क्या कहते हैं, मननम। इत्थम, इत्थम मने जगतो यद उपादानम इत्यादि ग्रंथ जातोक्त प्रकार इत्यादि ग्रंथ का समूह के द्वारा कहे गए प्रक्रिया के अनुरूप वाक्यों से तत्वस्यादि वाक्य, वाक्य मैंने कौन वाक्य, तत्वस्यादि महावाक्यों के द्वारा जो कहा गया है इन श्लोकों से तदर्थानुसंधानम तेषां वाक्यानां अर्थस्य जीव ब्रह्म एकत्व लक्षण, उन वाक्यों का अर्थ क्या है, जीव ब्रह्म एकत्व, उसका अनुसंधान, उसका अनुसंधान करना गुरुमुख से सुन करके चिंतन करने का नाम ही श्रवणम भवे। युक्तिया अश्रुत पदार्थों को युक्ति के द्वारा, श्रुत क्या था, जीव ब्रह्म एकत्व, उसी को युक्ति के द्वारा, युक्ति भी कहां से लाऊंगा मैं, कदे हम पहले दे चुके हैं आपको, कहां से, शब्द स्पर्शादेव वेद्या 1-3 से, इसी प्रकार प्रथम प्रकरण का तीसरे श्लोक से आरंभ करके परापरात्मनोरेवम युक्त्या संभावित ही कदा करके 43वां श्लोक में हमने कहा था, 3 से 43 तक जो कहा हुआ है इत्यंतेन ग्रंथ संदर्भेण उक्त प्रकारेण, यहाँ तक ग्रंथ समूह के द्वारा उक्त प्रकार से संभावित अनुसंधानम जीवन एकत्व की संभावितता जो कही गई है उसका अनुसंधान करना, श्रुत अर्थ का उपपद्यमान ज्ञानम, श्रुत अर्थ का ही युक्ति से उपपादन कर लेना, ऐसा जो ज्ञान है उसी का नाम मनन है, तत्व मननम इत्युच्यते, उसी को मनन शक्ति कह दिया गया है। इदानीं निधिध्यासनम महा, अंत में आता है श्रवण हुआ मनन हुआ तत्पश्चात निधिध्यासन, ताभ्याम निर्विचिकित्सते अर्थे, ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे चेतस स्थापितस्यत एकतानव एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासन मुच्यते, ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थ, निर्विचिकित्से मने निर्संशय, निस्संशय, संशय रहिते अर्थ, श्रवण और मनन से आपने क्या किया, सारा संशयों को भंग कर दिया है। चेतस स्थापित से चित्त की जो आपने स्थापना कर दी उस पदार्थ में, अर्थात जीव ब्रह्म एकत्व में आपने चित्त को स्थापना कर दिया, ये क्या हो गया, धारणा हो गई, देश बंधस चित्तस्य धारणा सूत्र है, योग सूत्र टीका में दिया है, एकदानत्वम एतद्धि, और स्थापना करने के बाद उसी की धारा चलाना, एकदानत्व एकाकार खंडाकार ब्रह्माकार जो वृत्ति आप चलाते हो उसे हम क्या कहते हैं, निधिध्यासन उच्यते। टीका में देखे ताभ्याम श्रवण मननाभ्याम, ताभ्याम ने श्रवण मनन के द्वारा निर्विचिकित्से निर्गता विचिकित्सा, विचिकित्सा मने संशयो यस्मा, निकल चुका है समस्त संशय जिससे, ऐसी वस्तु असो उस वस्तु को कहते हैं निर्विचिकित्सा, तस्मिन्नर्ते तारुष पदार्थ में विषये स्थापितस्य धारणावदचेत, स्थापना करने का मतलब क्या, धारणावान हो गया आपका चित्त, धारणा क्यों, कदे देश बंधस चित्त से धारणा इति पतंजलि ना उक्तत्वात्, पतंजलि ने साफ कहा है देश बंधस चित्त से धारणा, और यत एकदानत्व उस विषय में चित्त को जोड़ दिया बांध दिया, बांधने के बाद उसी विषय को लेकर लगातार चिंतन कर रहे हैं, तैल धारावत होनी चाहिए, तेल टपक रहा ऐसा तेल नहीं, निरंतर धारा वाला, ऐसे जो तेल धारावत जो एकतानता वृत्ति के लगातार प्रवृत्त होना है उस एकाकार वृत्ति प्रवाहवत्व, पहले लक्ष्य विषय रहेगा बाद में वही लक्ष्य स्वरूप से अभिन्न होने के नाते स्वरूप विषयाकार हो जाएगा, स्वरूपाकार वृत्ति निरंतर चलने लग जाएगी, ये तत् ऐसा जो प्रवाह हो जाए उसको कहते हैं निध्यासन उच्यते ही। जो श्लोक में दया यस्मात् अर्थ में नहीं है यहाँ प्रसिद्धम अर्थ, कहाँ प्रसिद्ध है एतादृश एकतानता, योगशास्त्र है, योगशास्त्र में कौन सा सूत्र है वो, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ये सूत्र तत्र
प्रत्येकता लता ध्यान। तीन दो, तीन एक में देश बंधश्चित्त से धारणा है शायद, तीन एक में है या तीन दो में है वो, ये तीन तीन है, तीन चार ऐसा होगा सूत्र संख्या है। तीसरे पद का एकदम शुरू में है ये, तस्य निधिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम समाधि माहा, और यही निधिध्यासन की जब परिपक्व अवस्था हो जाता है उसी का नाम समाधि होता है। क्या है वो परिपक्व अवस्था जिस समाधि कहा जाता है, वो बता रहे हैं निधिध्यासन में क्या होता है और उसकी परिपक्व अवस्था में क्या बनती है स्थिति, वो सारा वर्णन करने जा रहे। ध्यात्रध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैक गोचरं निवात दीपवच्छित्तं समाधिरविदीयते। गीता का दृष्टांत ले रहे, गीता में कहा गया है उसको ले रहे हैं यहाँ पर भी, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। छठे अध्याय का श्लोक है गीता का, उसी को यह दृष्टांत दे रहे हैं, 19वां श्लोक। निवात दीपवच्छा, निवात दीप का मतलब वायु अभाव वाला स्थान, ऐसा अर्थ नहीं है ना, वायु है लेकिन स्थिर वायु, चलायमान वायु नहीं है। यद्यपि वायु कभी स्थिर होता ही नहीं लेकिन वहां स्थिरता का तात्पर्य क्या है, उतनी स्थिति वायु की वह स्थिति का नाम स्थिरता है जिससे अन्य वस्तुओं में कंपन ना हो, यही वायु की स्थिरता है। कि वायु कभी स्थिर होता नहीं, वायु तो सदा चल रहा है लेकिन उसकी गति इतनी मंद हो जाए कि किसी वस्तु में पत्ता में भी कंपन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, वायु स्थिर हो गया। इन वास्तव में वायु स्थिर होता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, वायु चलायमान भी है फिर भी निवात स्कर्त क्या रोक करके, तब इतनी मंद गति कि दीप की ज्वाला में कोई कंपन नहीं होना, ये उसका तात्पर्य। उसी प्रकार से ध्यान में भी समझो, वृत्ति का अभाव कभी नहीं हो सकता, वृत्ति सदा चलायमान, वृत्ति कभी स्थिर भी नहीं हो सकती है, वृत्ति का अभाव नहीं हो सकता, वृत्ति निरंतर चलायमान है कभी स्थिर नहीं हो सकती, फिर भी हम कहते नहीं वृत्ति को रोको, योगश्चित वृत्ति निरोधः बोल दिया। और निरोध का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है एक विषय का वृत्ति निरंतर चलना, ये निरोध है। निरोध का हम इसलिए कह रहे हैं संसार की ओर से जो सहज प्रवृत्ति था उसे रोक करके आपने स्वरूपाकार वृत्ति चलाया, इसी का नाम निरोध। और कुछ रोकना नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। विषय में परिवर्तन कर दो और विषय में जो संसारिक विषय से हटा करके आत्मविषयक बना दो वृत्ति को, आत्मविषयक बनाने के बाद में उसको तोड़ना नहीं, आत्मविषयक वृत्ति लगातार चलते रहना, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्ति को स्थिर हो जाना, वृत्ति को समाधि में चले जाना, ऐसे कहते हैं। इसे दृष्टांत बड़ा समझदारी से दिया है, निवात दीपवत चित्तम, ऐसी जब उसमें क्या होता है फिर, तब कहते हैं निधि ध्यासन में त्रिपुटी था, ध्याता ध्यान ध्येय तीनों था, फिर क्रम से क्या हुआ, फिर ध्यातृत्व नष्ट हुआ, फिर ध्यान क्रिया भी भूल गए और ध्येय आकार मात्र रह गए, ध्येय आकार वृत्ति रह गई और वह वृत्ति एक नहीं रहेगी, चलती रहेगी लेकिन ध्येय को बदलती नहीं है, एक ही ध्येय जिसका ध्यान करती रही तदागार वृत्ति होकर के वही निरंतर चलते रहेगा, विषयांतर बीच में नहीं होगा, आत्मारूपी ध्येय को त्याग कर सांसारिक विषयांतर को नहीं ग्रहण करता है, ऐसा निरंतर स्थिति बनाने का नाम ही समाधि है। ध्यातृध्याने परित्यज्य, इसे ध्यातृत्व और ध्यान क्रिया इन दोनों को परित्याग करके क्रमात्याग करके ध्येयैक गोचरम, एकमात्र ध्येय विषयक वृत्ति चलनी चाहिए, ऐसा चित्त की स्थिति का नाम समाधिरित्य विधीयते, उसी को समाधि करके लोगों ने कथन किया है। ठीक है, निधिध्यासने तावत् ध्याता ध्यानं ध्येयं चेति तृतयं भासते,
निधिध्यासन काल में क्या हो रहा है? ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीनों के तीनों भाषित होता है। त्रितयम् भासते तत्र यदा चित्तम अभ्यास वशेर, और तब उस निध्यासन में जब चित्त अभ्यास के वजह से ध्यात्र ध्याने ध्यातनं ध्यानं च क्रमात् प्रत्यज्य, चित्त क्या करेगा? अपने ध्यातृत्व को छोड़ देगा, ध्यान क्रिया को भी छोड़ देगा, छोड़ के ध्येयैक गोचरं, ध्येयम् एकमेव गोचरो विषयो यस्य, ध्येय वह आत्मा एक ही है विषय जिसका, ऐसी स्थिति हो जाए तथा विदम चित्तम, तारश्चित की अवस्था का नाम, तथा उस स्थिति में उस चित्त को हम क्या कहेंगे? समाधृत चित्त, समाहित हो गया है, समाधि अवस्था में चित्त है, ऐसे कह दिया जाता है। और तर दृष्टांत, दृष्टांत क्या है? वायु रहित प्रदेशे वर्तमानो दीपो यथा निश्चल भवती तद्वत इत्यर्थः, वायु रहित प्रदेश में वर्तमान जो विद्यमान जो दीप है जिस प्रकार से निश्चल होता है, उसी प्रकार से चित्त भी निश्चल हुआ। निश्चल हुआ का मतलब क्या? एक विषय का निरंतर, जैसे दीपक क्या जल रहा है ना, बुझ थोड़ा हो गया। निश्चल होने का मतलब क्या है? दीपक बुझना नहीं है, जल रहा है वो, जलते हुए भी उसमें उस ज्वाला में कोई कंपन लहर नहीं दिखाई देता। इसी प्रवृत्ति चल रही है, दीपक जल रहा है, उसी प्रवृत्ति चल रही है, इन दीपक ने कंपन नहीं, लहर नहीं, उस वृत्ति में विषयांतर का ग्रहण करना नहीं हो रहा है। जैसे वहां जल ज्वलन का अभाव नहीं, इस वृत्ति का अभाव यहां नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी जब चित्त की अवस्था एकमात्र आत्म विषय चिंतन निरंतर करता रहे, विषयांतर बीच में न आवे या वस्तु का अभाव न हो जाए, चंचलता न आ जाए, उस स्थिति का नाम समाधि कहते हैं। न समाधो वृत्ति नाम अनुपलब्ध हो, लेकिन आपने कहा कि ध्यान भी नहीं, ध्याता भी नहीं रह गया, तो फिर वृत्ति को कौन ग्रहण करेगा? ध्याता है नहीं, तो ध्येयाकार वृत्ति को अनुभव कौन कर रहा है? उस अनुभूति को उपलब्धि कैसे हो रही है, कैसे होगी? पूर्वपक्ष कहता है समाधि में वृत्तियों की उपलब्धि नहीं हुई, ध्येय को गोचर तुम भी निश्चय तुम नहीं सकते, इसलिए ये भी तुम नहीं कह सकते हो वृत्ति ध्येय मात्र को विषय कर रही थी, ये कैसे हम निश्चय किया? जब वृत्ति को ही आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, वृत्ति ध्येय एकाकार था, ये कैसे निश्चय किया आपने? ये भी तो निश्चय नहीं कर सकते, पहले वृत्ति का प्रत्यक्ष हो तो वृत्ति का विषय का निश्चय होगा। जब वृत्ति हमने ग्रहण नहीं किया समाधि काल में, तो वृत्ति ध्येय एकाकार विषयाकार थी, ये कैसे आपको पता चला? ये पुरुष आशंका करता है, इत्याशंका करते वैसे ये सुषुप्ति जैसा वैसा ही समझ लेना। सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का आपने उस समय वृत्ति ग्रहण किया? जो सो रहे थे उस समय अज्ञान आकर वृत्ति ग्रहित हुआ या सुखाकर वृत्ति ग्रहित हुई? नहीं, उस समय कहां हुआ? कौन ग्रहण कर रहा है? आपका मन नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आपकी इंद्रियां नहीं है, सब सो गए, ग्रहण कौन करेगा? आत्मा ग्रहण करेगा क्या? पागल, आत्मा कोई ग्रहण करने वाला वस्तु है? किसको ग्रहण करेगा आत्मा? फिर आत्मा यदि विषय को ग्रहण कर ले, आत्मा तो कारण हो जाएगा इंद्रियों के जैसे, ज्ञान का साधन हो जाएगा। आत्मा कभी किसी को ग्रहण नहीं करता, आत्मा केवल प्रकाशन करता है। आत्म प्रकाश में अविद्या की वृत्तियां जो चल रही है, अहंकार रहित, बुद्धि रहित, मन रहित, केवल अविद्या का परिणाम हो रहा है ना। अविद्या तो है वहां पे, अविद्या अगर वृत्ति जो परिणाम हो रहा है वह खुद को विषय कर रही है, वो वृत्तियां क्या कर रहे हैं? अविद्या को विषय कर रहे हैं। अतः कह रहे न किंचित अविदृश्यम बोलते हो, और आत्मा के सुख स्वरूप का भी विषय कर रहा है वो, सुखाकार वृत्ति भी है, लेकिन उस वृत्ति का उस समय कोई प्रत्यक्ष नहीं किया। आत्मा अपने साक्षी रूपेण विद्यमान जो आत्मा है, हम क्यों चित्त है ना वहां पर, ठीक है? नहीं, मनो बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि अहंकार तीनों नहीं रह गया, लेकिन चित्त तो है ना साक्षी, वो उसको प्रकाशित कर रहा है। लेकिन साक्षी द्वारा प्रकाशित वस्तु को उसी समय आप ग्रहण नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उस समय नहीं है विशिष्ट रूप में, लेकिन उस अनुभव की वस्तु आपके अंदर विद्यमान है संस्कार। तभी तो जगने के बाद क्या बोलते हो,
अहम सुगमस्वापसम न किंचित वेदिशम। वह स्मृति के आधार हम निर्णय लेंगे, सुषुप्ति में अनुभूति हुई थी अतः उस अनुभूति का संस्कार था, तो संस्कार से हमें स्मृति अब हो रही है। यथा तथा समाधि में भी समझो वो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को स्वयं आत्मा के प्रकाश से साक्षी ग्रहण कर रहा है। एन आप जो विशिष्ट जीव है विशिष्ट भाव का नाम आप ग्रहण नहीं कर पाते हो, इन संस्कार बना हुआ रहेगा उस अनुभूति का, उसे अविद्या में बनी रहेगी, जो सब कुछ अविद्या में ही तो है ना, तो वही बनी रहेगी। स्वरूप का आवरण आत्मिक अविद्या में वो बनी हुई है। ऐसे ही समाज से जब बाहर आओगे तब उसके संस्कार में स्मृति होती है, मैं समाधि में था, मैं आनंद स्वरूप का अनुभव कर रहा था, वहां मैं अज्ञान का भी अनुभव नहीं किया। सुषुप्त में क्या था, अज्ञान का अनुभव है, या अज्ञान का अनुभव है क्या समाधि में, नहीं। इसलिए कहते हैं वृत्त यस्तु तदानीं अज्ञाताप्यात्म गोचरा स्मरणाद अनुमीयन्ते वित्तितस्य समुत्थिता। जब पूर्व पक्ष की आशंका जवाब ये वृत्ति सद्भाव को हम अनुमान से जानेंगे, आप ऐसी आशंका नहीं करें, क्यों हम उसको अनुमान से जानेंगे। अनुमान कैसे करोगे, स्मृति के आधार पर। वही समझा रहे वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञातापि, वृत्तिया यद्यपि समाधि काल में प्रकाशित नहीं हो गई आपको विशेष रूपेण प्रकाशित, आप नहीं जान पा रहे मैं समाधि में हूं, ऐसे उसे मालूम मैं समाधि में था बोलो आने के बाद, मैं समाधि में हूं ऐसा नहीं बोल सकता कोई उस समय, जैसे मैं सोया हूं ऐसा नहीं बोलता कोई भी, जगने के बाद बोलता है मैं सोया था, सोते वक्त कोई बोलता नहीं मैं सोया हूं, ये बोल रहा है तो सोया नहीं है वो, ये बोल रहा है तो सोया है क्या, बोल रहा है तो सोया नहीं, और सोया है तो बोलता नहीं, बड़ा विचित्र स्थिति है देखो ना। फिर कब बोल रहा है वो, जगने के बाद, इसे हमेशा क्या बोलेगा वो, भूतकाल प्रयोग करेगा, सोया था समाधि में था बोलेगा वो, हूं नहीं बोलता कभी। ये वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञातापि आत्मगोचरा, यानी आत्म प्रकाश साक्षी गोचरा इत्यर्थ है इसका मतलब। ये कैसा गया ज्ञान हुआ, स्मरणादनुमीयन्ते वित्तितस्य समुत्थिता, स्मरण से हम उसका अनुमान करेंगे कि वित्तितस्य समुत्थिता, समाधि से जो उठा हुआ है उससे उत्पन्न स्मरण के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूं कि उस समय वृत्तियां थी और ध्येय गोचर रही और केवल अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति उस समय चलती रही, ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। आत्मगोचरा, आत्मा गोचरो विषयो यासा, देखो आत्मा से प्रकाशित नहीं हुआ, आत्मा से प्रकाशित नहीं है, आत्मा है विषय जिनका, ऐसी वृत्तियों का विषय आत्मगोचरा वृत्तयः, आत्मा है विषय जिनका, ऐसी वृत्तियां थी अर्थात अखंडाकार वृत्तियां थी ब्रह्माकार वृत्तियां थी। वृत्तयस्तु तदानीं समाधि काले अज्ञातापि, तादृश अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है वे उस समय में समाधि काल में अज्ञातापि आपको विशिष्ट रूपेण, मैं इस समय अखंडाकार वृत्ति का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा आप कभी आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर भी अपि ने फिर भी वित्तितस्य समाधे उत्थितस्य, समाधि से जो उठ गया बाहर आ गया प्रारब्ध कर्म की वजह से, वो आदमी से पूछो समुत्थितात् उत्पन्नात् स्मरणात्, उसके अंदर स्मृति होती है। हर आदमी को क्या है, बेहोश की बात जगह तो क्या बोलेगा, मैं बेहोश था, मैं सोया था, मैं नशा में था, ये तो बोलेगा, स्मृति तो हो रही ना उस अनुभव का। मैंने हर एक अनुभव, भले आप इंद्रियां जागरूक है या नहीं, मन है या नहीं, बुद्धि है या नहीं, वहां सक्रिय कार्यशील हो या ना हो, तो भी सारी अनुभूतियां जो अंदर हो रही है अविद्या के अंदर उसकी अमिट छाप पड़ती रहती है। अविद्या एक ऐसा विलक्षण मोम है जिसमें सारा प्रिंट पड़ते रहता है, इसलिए हम कहते हैं कोशिश करो ज्यादा अखबार मत पढ़ो, ज्यादा टीवी मत देखो, जितना ज्यादा ये सब किया कूड़ा है तो डालना है, इतना कूड़ा डाल चुके हैं अनादिकाल से जन्म लेते 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 पता नहीं कितना बड़ा कूड़ा घर है ये, और ऊपर से डालने से फायदा क्या, इन्हीं को निकालने के लिए हम लोग वेदांत पढ़ रहे हैं,
इनसे छुटकारा पाने के लिए, निकाल तो सकते नहीं पूरा, साफ तो कर नहीं सकता कोई भी उसको डाको। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो मन रूपी कूड़ा धन को कोई साफ कर दे, लेकिन उसे छुटकारा पा सकते, उसके मिथ्यात्व सिद्ध कर दो, कहानी खत्म हो जाए। जब ये निश्चय हो जाए वाक्य में मन नाम की चीज ही नहीं है जिसको लेकर हम परेशान है, जब मन हो तब तो उसी कूड़े से दुर्गंध आएगा, मन ही नहीं है तो वासना कहां से रहेगी, वासना नहीं है तब परेशान किस बात के होंगे। इसे मुख्य वेदांत क्या है, उसको मिटाने की कोशिश हम नहीं करते हैं, उसे खाली कर साफ करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम मन की इतनी शुद्धि चाहते हैं जितने से आपका जो चित्त है, वृत्तियां जो है आत्मचिंतन कर लो उतने हम शुद्धि चाहते हैं। पूर्ण अंतकरण शुद्धि कोई कर नहीं सकता, कि सच्चाई में क्या है, वास्तव में तो अंतकरण हम चीज ही नहीं है, तो सफाई क्या करोगे, वास्तविकता तो यह है ना। एक उसकी अनुभूति हमें कैसे करना है, इसी मन से करना पड़ता है जो गंदा वाला है। इसीलिए हम कहते हैं अंतकरण शुद्धि का तात्पर्य क्या है, उतनी शुद्धि अंतकरण का, जितनी शुद्धि करने से अंतकरण की वृत्ति आध्यात्मिक चिंतन करेगा, श्रुतियों में शास्त्रों में इसका मन लगा रहे उतनी शुद्धि, ये अंतकरण शुद्धि का तात्पर्य। इतनी शुद्धि करने से क्या होगा, शास्त्र वृत्ति लगेगी, शास्त्र चिंतन होएगा, शास्त्र चिंतन होएगा तो समाधि लगेगी, समाधि लगेगी तो जगत मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद न मन रहा न कूड़ा दान है न कूड़ा है, कहानी खत्म। इसलिए कहते यहां एतावंतंकालम समाहितो अभूवम इत्येवं रूपात अनुमीयन्ते, इस प्रकार जो स्मृति हो रहा है इतने समय तक समाहित चित्त वाला होकर के था, ऐसा जो स्मृति कर रहता है उससे मैं अनुमान कर लेता हूं कि वहां समाधि नाम का चीज है और समाधि वृत्तियां होती है, ब्रह्माकार वृद्धिकार वृत्ति होती है, ऐसा निश्चय कर सकते हैं कि समाधि व्याप्ति है, यद यद स्मर्यते तत् तद अनुभूतम या अनुभव पूर्वकम, जिस जिस चीज को स्मरण करते हैं वह चीज निश्चित रूपेण अनुभव पूर्वक ही होता है। इति व्याप्तिर लोक सिद्धत्वात्, यह व्याप्ति सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसके आधार पर जो है हम अनुमिति कर लेंगे कि समाधि काल में वृत्तियां हैं और वह वृत्तियां देयिक गोचर होती हैं और अन्य कोई विषय नहीं करती है। इति